हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं लैब असिस्टेंट एग्जाम 2018 के क्वेश्चन पेपर को, जो कि 3 फरवरी 2019 को कंडक्ट हुआ था और ये एग्जाम आरएसएमएसएसबी ने कंडक्ट करवाया था। और ये पेपर सॉल्यूशन भी हम ऑथेंटिक आंसर की के साथ सॉल्व करेंगे, जो कि आरएसएमएसएसबी के द्वारा जारी की गई थी। फ्रेंड्स, इसका ये सेकेंड पार्ट है पेपर सॉल्यूशन का। फर्स्ट पार्ट में हमने इस पेपर में जो 50 जीके के क्वेश्चंस थे वो हमने सॉल्व कर लिए थे, और इस वीडियो में हम बायोलॉजी के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। देन लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 51, प्रक्रिया जिसमें अल्कोहल का निर्माण होता है, वह प्रक्रिया जिसमें अल्कोहल का निर्माण होता है, ऑप्शन ए रसारोहण। फ्रेंड्स, रसारोहण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी भी प्लांट की पत्तियों में लगने वाले वाष्पोत्सर्जन दाब की वजह से जमीन में पाए जाने वाले पानी और मिनरल्स के रस को ऊपर की ओर खींचा जाता है। इसका ऊपर की ओर आरोहण होता है और इस रस का ऊपर की ओर आरोहण ही रसारोहण कहलाता है। तो इसमें कहीं भी अल्कोहल का निर्माण नहीं होता है। ऑप्शन बी है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण फ्रेंड्स, जो सूर्य का प्रकाश होता है उसकी उपस्थिति में होता है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो CO2 पाई जाती है, वायुमंडलीय CO2 और H2O का कन्वर्जन होता है ग्लूकोज में। इसमें कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और वो होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो इसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, न कि अल्कोहल का। ऑप्शन सी वायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रकाश संश्लेषण की रिवर्स रिएक्शन होती है, और इसमें ग्लूकोज है वो विखंडित हो जाता है CO2 और H2O में। जो ग्लूकोज प्रकाश संश्लेषण के दौरान बना था वो वापस CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ऑप्शन डी अवायवीय श्वसन, यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, और ऑक्सीजन की एब्सेंस की वजह से ही ये जो ग्लूकोज है ये पूरी तरह से CO2 और H2O में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, पूरी तरह से CO2 और H2O में नहीं टूट पाता है, इसलिए एक अलग ही प्रोडक्ट वो होता है, निर्मित होता है, और वो होता है अल्कोहल। तो अल्कोहल का निर्माण अवायवीय श्वसन के दौरान होता है, और इस दौरान एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। एथिल अल्कोहल जो कि यीस्ट और अन्य छोटे जीवों में होता है, जबकि अगर मानव बॉडी की मसल्स में अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसमें लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कई बार हार्ड वर्किंग की वजह से जो मानव बॉडी की जो मसल्स होती है उनमें पेन क्यों होता है, दर्द क्यों महसूस होता है, तो इसी लैक्टिक एसिड की वजह से होता है, जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनाडा बालसम माउंटिंग एजेंट है, और इसका उपयोग स्थायी स्लाइड्स के निर्माण के लिए किया जाता है, तो ये किससे प्राप्त की जाती है। कनाडा बालसम का उपयोग हम लैब में जब स्थायी स्लाइड्स बनाते हैं, परमानेंट स्लाइड्स बनाते हैं, तब इसका प्रयोग करते हैं, और ये प्राप्त की जाती है एक जिम्नोस्पर्म से। एक प्लांट है जिम्नोस्पर्म, और वो है एबीस बालसेमिया, और एबीस बालसेमिया से ही कनाडा बालसम प्राप्त किया जाता है, ये एक जिम्नोस्पर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूस्तरी होता है, भूस्तरी स्टोलन। स्टोलन एक प्रकार का स्टेम का मॉडिफिकेशन है। स्टेम का मॉडिफिकेशन तीन प्रकार का होता है, एक एरियल होता है, एक सब एरियल होता है, और एक होता है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। एरियल होता है वो जमीन से ऊपर की ओर होता है, सब एरियल होता है वो जमीन के सहारे सहारे होता है, और अंडरग्राउंड होता है वो जमीन के अंदर की ओर स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। तो वो स्टोलन है वो सब एरियल मॉडिफिकेशन है कि उपवायवीय रूपांतरण। इसके अंतर्गत क्या होता है फ्रेंड्स, कि जैसे कि ये जमीन है तो इसके ऊपर प्लांट होता है, उसका ये तना है ये लेट जाता है, ऊपर ऊपर वृद्धि करता रहता है, और यहाँ जमीन में धंसता है, इससे पत्तियां निकलती है, फिर से ये तना बढ़ता है, फिर से ये जमीन में धंसता है, ऊपर पत्तियां निकल जाती है, फिर से ऐसे से ये बढ़ने लगता है। तो ये होता है सब एरियल मॉडिफिकेशन होता है इसका, और ये स्टोलन होता है। इसका एग्जाम्पल है अच्छा सा अरबी है, स्ट्रॉबेरी है, उसमें ये पाया जाता है। तो ये स्टोलन है वो उपवायवीय रूपांतरित स्तंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोजी क्या है। रोजी एक ट्रांसजेनिक गाय है, रोजी एक ट्रांसजेनिक गाय है, लीची का खाने योग्य भाग है। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है और बहुत बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स होते हैं और उनमें खाने योग्य भाग भी अलग अलग होते हैं, तो जो लीची नाम का जो फल है उसका खाने योग्य भाग होता है एरिल। क्वेश्चन नंबर 56,
गेहूं में 100 परागकण प्राप्त करने के लिए कितने न्यूनतम अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? यानी कि गेहूं में 100 परागकण प्राप्त करने हैं तो कितने कम से कम अर्धसूत्री विभाजन की जरूरत होगी? हम जानते हैं कि किसी भी सेल में अगर एक बार अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उससे चार सेल बनती है। एक बार अर्धसूत्री विभाजन से कितनी बनती है? चार सेल बनती है। तो कितनी बार अर्धसूत्री विभाजन हो कि 100 परागकण प्राप्त हो जाए? तो वो होगा यहाँ पर 25। 4 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू 100। यानी कि 25 सेल्स में, यानी कि 25 टाइम अगर मल्टीप्लाई सॉरी अर्धसूत्री विभाजन हो तो 100 परागकण हमें प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण शक्तता शब्द किसने प्रतिपादित किया था? पूर्ण शक्तता यानी कि टोटिपोटेंसी, टोटिपोटेंसी शब्द था वो मॉर्गन ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारणतया मूसला मूल किसमें पाई जाती है? मूल्स तीन प्रकार की होती है, जो रूट्स होती है वो तीन टाइप की होती है, टैप रूट होती है और फाइब्रस रूट होती है और एडवेंशियस रूट होती है, एडवेंशियस रूट्स। तो जो टैप रूट सिस्टम होती है, मूसला मूल होती है, वो द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है। मूसला मूल या टैप रूट सिस्टम ये द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। जो फाइब्रस रूट्स होती है वो एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती है और जो एडवेंशियस रूट्स होती है वो कुछ घास कुल के पौधों में पाई जाती है। ये टैप रूट सिस्टम क्या होती है कि जब मूलांकुर होता है और मूलांकुर से जब मूल निकलती है, जब ये मूलांकुर है और इससे मूल निकल रही है तो ये एक सीधी सी मूल निकलती है और इससे साइड में और मूलें निकलती है, इनको प्राथमिक मूल कहते हैं और इनसे भी और मूलें निकलती रहती है। लेकिन मेन मूल होती है, जो रूट होती है वो एक ही होती है। फाइब्रस रूट क्या होती है कि इस मूलांकुर से एक बड़ी सी रूल ना निकल के, मूल ना निकल के बहुत सारी छोटी 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 ऐसे रेसे में मूलें निकलती रहती है, रेसे जैसी एकदम। तो इसे कहते हैं झकड़ा, झकड़ा मूल, ये इसको झकड़ा मूल या फाइब्रस रूट कहते हैं क्योंकि इससे फाइबर जैसी यानी कि रेशे जैसी मूलें निकलती है बहुत सारी। नेक्स्ट है एडवेंशियस, एडवेंशियस जो रूट्स होती है वो मूलांकुर से नहीं निकलती है बल्कि पौधे के अन्य किसी भाग से निकलती है, उनको एडवेंशियस रूट्स कहते हैं। ये तने से निकल सकती है, ब्रांच से, कहीं से भी निकलती है, अदर पार्ट से, मूलांकुर से ना निकल के, तो वो होती है एडवेंशियस रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोडोफाइसी का संचित उत्पाद है। रोडोफाइसी फ्रेंड्स एक एल्गी का प्रकार है, एक प्रकार की एल्गी होती है, लाल सवाल कहते हैं जिसको कि। तो रोडोफाइसी में जो संचित भोजन होता है वो होता है फ्लोरिडियन स्टार्च, जो संचित उत्पाद यानी कि ये होता है फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। क्वेश्चन नंबर 60, पोमेला अवस्था पाई जाती है। पोमेला अवस्था फ्रेंड्स क्लेमाइडोमोनास में पाई जाती है और क्लेमाइडोमोनास एक प्रकार की ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी जिसमें कि पोमेला अवस्था पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब व नाशपाती का खाने योग्य भाग है। पहले ये क्वेश्चन किया था, लीची में खाने योग्य भाग जो कि एरिल होता है, बिल्कुल वैसे ही सेब व नाशपाती का जो खाने योग्य भाग होता है वो होता है पुष्पाशन, पुष्पाशन जो कि खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक विविधताओं पर सम्मेलन हेतु प्रथम अर्थ समिट हुआ था। जो फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था वो हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, जो कि 1992 को कंडक्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय का लाल किट रोग किसके द्वारा होता है? जो चाय में जो लाल किट रोग होता है वो होता है सिफेलोयूरियस की स्पीसीज के द्वारा होता है और सिफेलोयूरियस की जो ये स्पीसीज है यानी कि जो सिफेलोयूरियस है वो एक ग्रीन एल्गी है, एक प्रकार की ग्रीन एल्गी है जो कि चाय में लाल किट रोग फैलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार के फल को कहते हैं, ज्वार के फल को फ्रेंड्स कैरियोप्सिस कहते हैं, कैरियोप्सिस ज्वार के फल को कहा जाता है और लेग्यूम जो कि बहुत कॉमन है, लेग्यूमिनेसी जो फैमिली के प्लांट्स है उनमें जो फलियां पाई जाती है उनको ही लेग्यूम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, शब्द बायोसिनोसिस किसने प्रतिपादित किया था? शब्द बायोसिनोसिस का प्रतिपादन किया था मोबियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिब्रेलिन को प्रतीक किया गया था। जिब्रेलिन जो कि एक पादप हार्मोन है और इसकी वजह से पादप की लंबाई बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है और उनमें फल नहीं बनते केवल लंबाई बढ़ती रहती है, तो ये पादप हार्मोन है और इसको प्राप्त किया था कवक जिसका कि नाम था जिब्रेला फ्यूजिकोराई, जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक इस कवक से इसको प्राप्त किया गया था, जिब्रेला फ्यूजिकोराई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकरण जिसके द्वारा तने के व्यास को मापा जाता है, तो तने के व्यास को मापा जाता है डेंड्रोग्राम से, ये हैंड्रोग्राम नहीं है, डेंड्रोग्राम है,
डेंड्रोग्राम से तने के व्यास को मापा जाता है। और दूसरी बात, ये जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं ये किस कोई उपकरण का नाम नहीं है, रसकास्ट, अंतःकास्ट और टाइलोसिस तीनों ही उपकरण नहीं है। रसकास्ट और अंतःकास्ट तो जो पादप में जो कास्ट पाई जाती है उसी का प्रकार है, डेंड्रोग्राम से ही तने का व्यास मापा जाता है। नेक्स्ट है, मानव अपरा द्वारा निष्कासित हार्मोन के संबंध में सही नहीं है। जो मानव अपरा होती है, फीमेल्स में जो अपरा पाई जाती है उसमें जो प्लेसेंटा, उसके द्वारा कौन सा हार्मोन सीक्रेट नहीं होता है, तो इसमें एक कॉमन चीज है, हिंट दे रहा है जिसके द्वारा अपन इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और वो हिंट है एंड्रोजन। फ्रेंड्स, एंड्रोजन मेल हार्मोन है ना कि फीमेल हार्मोन, ये फीमेल्स में नहीं पाया जाता। और अपने प्लेसेंटा जो कि फीमेल में पाई जाती है, एक कनेक्शन बॉन्ड होता है बेबी और मदर के बीच में जिसको कि प्लेसेंटा कहते हैं, तो ये फीमेल में है, जबकि एंड्रोजन हार्मोन है वो मेल में सीक्रेट होता है ना कि फीमेल में। तो तीन ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें कि एंड्रोजन दिया हुआ है, और एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें कि एंड्रोजन नहीं है, और वही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 69, तंत्रिका आवेग के प्रेषण के समय पुनः ध्रुवण की क्रिया में होता है। तो तंत्रिका आवेग के प्रेषण के समय पुनः ध्रुवण की क्रिया में जो पोटेशियम आयन होते हैं उनका बहिर्प्रवाह होता है, पोटेशियम आयनों का बहिर्प्रवाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के लिए कथन का चयन कीजिए जो कि सही नहीं है। सही नहीं है, ऐसा कौन सा कथन है जो सही नहीं है मानव मस्तिष्क के लिए? फर्स्ट कथन है, मध्य मस्तिष्क में द्विदृक्पालिया उपस्थित होती है। सेकंड, कार्पस कैलोमस दो प्रमस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ता है। ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस में भूख के केंद्र होते हैं। ऑप्शन डी, मेडुला ऑब्लोंगेटा ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि जो मध्यम मस्तिष्क होता है उसमें दो द्विदृक्पालिया उपस्थित नहीं होती है। हाँ, मध्यम मस्तिष्क में दो सुपीरियर लोब और दो ऑप्टिक लोब जरूर होते हैं, दो इन्फीरियर ऑप्टिक लोब उपस्थित होते हैं, लेकिन ये दो द्विदृक्पालिया इसमें उपस्थित नहीं होती है। कार्पस कैलोमस दो प्रमस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ता है, ये करेक्ट है। हाइपोथैलेमस में भूख के केंद्र उपस्थित होते हैं, और मेडुला ऑब्लोंगेटा है जो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न तीव्रता की ध्वनि को विभेदीकरण के किस भाग द्वारा किया जाता है? तो जो विभिन्न तीव्रता की, जो विभिन्न अलग अलग फ्रिक्वेंसी की जो ध्वनि होती है, साउंड होती है, उसका विभेदीकरण कर्ण की आधार्य कला द्वारा किया जाता है। कान की जो आधार्य कला होती है उसके द्वारा ही यह कार्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, रेखित पेशी के लिए जब वह संकुचित होती है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? वंस अगेन, सही नहीं है। रेखित पेशी जो कि जब संकुचित होती है तो उसके बारे में कौन सा कथन है वो सही नहीं है। फर्स्ट पट्टी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मायोसिन पट्टी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ए पट्टी की लंबाई बनी रहती है या सार्कोमियर छोटा हो जाता है। तो बाकी सब कथन है वो सही है, और ऑप्शन ए वाला कथन है वो सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट पट्टी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है जब वह संकुचित होती है, यानी कि संकुचित होने पर तो लंबाई कम होती है हालांकि, लेकिन फर्स्ट पट्टी की लंबाई में संकुचन की वजह से भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणी कोशिका में कौन से आरएनए की प्रचुरता होती है? आरएनए तीन प्रकार के होते हैं, टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए, यानी कि ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए। तो जो प्राणी कोशिका होती है उसमें आरआरएनए की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, राइबोसोमल आरएनए वो प्रचुरता में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के प्रयोगों में द्विसंकर लक्षण प्रारूप का अनुपात था। मेंडल जिनको कि जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है, तो उनके जो प्रयोग थे उनमें जो द्विसंकर प्रयोग था उसका लक्षण प्रारूप था 9:3:3:1, यानी कि 9:3:3:1। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, जिसको कि हम चार्ट के द्वारा भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ फर्स्ट में दिए गए सिंड्रोम को स्तंभ सेकंड में दिए गए कैरियोटाइप से मेल करते हुए उत्तर का चयन कीजिए जो सही नहीं है। ये क्वेश्चन है वो गुणसूत्रों से रिलेटेड है, और मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये जो 46 गुणसूत्र रहते हैं वो दो दो की जोड़ी में पाए जाते हैं, तो इस प्रकार से
23 जोड़े होते हैं, और जो लास्ट जोड़ा होता है यानी कि जो 23वां जोड़ा होता है वो गुणसूत्र का वो होता है लिंग गुणसूत्र का, क्रोमोसोमल गुणसूत्र होते हैं जो लिंग निर्धारण करते हैं। तो देखते हैं ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम में वो 18 जोड़ा होता है गुणसूत्रों का, 18वां जोड़ा होता है उसमें ट्राइसोमी की वजह से होता है, यानी कि जो दो गुणसूत्र होते हैं उसकी जगह तीन हो जाते हैं, इनका ट्राइसोमी हो जाता है और इसी वजह से एडवर्ड सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट है पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम भी 13वें जोड़े की ट्राइसोमी की वजह से होता है, 13वें जोड़े में दो गुणसूत्रों की बजाय तीन गुणसूत्र आ जाते हैं और इसीलिए पटाउ सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में वो ट्राइसोमी की वजह से नहीं होता बल्कि जो फीमेल्स होती है उनमें सिर्फ एक ही गुणसूत्र पाया जाता है, एक ही लिंग गुणसूत्र पाया जाता है और एक लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता, एब्सेंट यानी कि जीरो, कुछ नहीं होता उसकी जगह पे। तो सिर्फ एक ही लिंग गुणसूत्र की वजह से यानी कि एक गुणसूत्र कम हो जाता है, 46 की बजाय 45 हो जाते हैं, और कौन सा गुणसूत्र कम होता है वो होता है लिंग गुणसूत्र, यानी कि 46वां जो जोड़ा है वो अधूरा रह जाता है जिसमें कि सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम ही आता है, दूसरा एक्स क्रोमोसोम नहीं आ पाता है और इसी वजह से टर्नर सिंड्रोम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। और नेक्स्ट है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जो कि मेल्स में होता है और इसमें डबल एक्स आ जाते हैं, जबकि मेल्स का कॉम्बिनेशन होता है एक्स वाई, एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है, उसकी बजाय एक्स एक्स वाई यानी कि एक एक्स और आ जाता है और इसी वजह से मेल में फीमेल के कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं। तो ये भी सही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समूह समतापी प्राणियों का है, वो प्राणी जो समतापी श्रेणी के अंदर आते हैं। तो वो है ऑप्शन ए व्हेल, कबूतर और चमगादड़, ये सभी प्राणी है वो समतापी प्राणी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, संघों के नाम युक्त सूची फर्स्ट को संरचनाओं युक्त सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पर संघों के नाम दिए गए हैं, जंतुओं के जो संघ है जिनमें इनको वर्गीकृत किया गया है उनके नाम दिए गए और आगे इनकी उत्सर्जन को जो संरचनाएं हैं वो दी गई है, यानी कि इनके उत्सर्जन अंग दिए गए हैं। तो जो पॉरीफेरा संघ है उसमें उत्सर्जन अंग होता है कीपाणु, पॉरीफेरा में उत्सर्जन अंग पाया जाता है कीपाणु, और प्लेटीहेलमिंथीज है इसमें पाया जाता है ज्वाला कोशिकाएं। तो प्लेटीहेलमिंथीज में कौन सी है, ज्वाला कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जन होता है। निमेटीहेलमिंथीज इसमें उत्सर्जन होता है फॉस्मेट्स के द्वारा, फॉस्मेट्स इसमें फॉस्मेट्स है वो उत्सर्जन अंग का काम करते हैं। और चौथा है कॉर्डेटा, कॉर्डेटा बहुत सिंपल है, इसमें गुदा पाई जाती है कॉर्डेट्स में, तो पश्च गुद पुच्छ, इसमें गुदा दिया हुआ है तो पश्च गुद पुच्छ ही इसका करेक्ट मेल होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी, पॉरीफेरा में कीपाणु, प्लेटीहेलमिंथीज में ज्वाला कोशिकाएं, निमेटोहेलमिंथीज में फॉस्मेट्स एंड कॉर्डेटा में पश्च गुद पुच्छ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन्स का पाचन नहीं करता है, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन के पाचन में काम नहीं आता, जो प्रोटीन का पाचन नहीं करता। तो वो है लाइपेस, क्योंकि ट्रिप्सिन भी प्रोटीन के पाचन में काम आता है, पेप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करते हैं, लेकिन लाइपेस है वो वसा पे काम करता है, लिपिड्स पे काम करता है, ये प्रोटीन्स पे काम नहीं करता है, लाइपेस लिपिड का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। तो वो है ऑप्शन सी त्रिकपर्दी कपाट, मिट्रल कपाट इससे सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एंड्रोजन का स्त्रवण करती है, एंड्रोजन का जिक्र पहले ही हो चुका है, एंड्रोजन एक मेल हार्मोन है जो कि मेल बॉडी में सीक्रेट होता है और यह मेल बॉडी के टेस्टिस में पाई जाने वाली लैडिंग कोशिकाओं के द्वारा सीक्रेट होता है। तो एंड्रोजन का स्त्रावण करती है लैडिंग कोशिकाएं जो कि टेस्टिस में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में जीवाणुवीय रोग है, मनुष्य में जीवाणुओं के द्वारा फैलने वाले रोग है टाइफाइड प्लेग एंड टाइफस, टाइफाइड प्लेग एंड टाइफस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समजात अंगों के सही सेट का चयन कीजिए, समजात अंग यानी कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि सिर्फ समजात अंग ही दिए हुए हैं, उसमें समवर्ती अंग नहीं दिया हुआ है कोई भी। तो है ऑप्शन ए
मानव के अग्रपाद, पक्षी के पंख तथा व्हील के मीन पक्ष है वो समजात अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ एनेलिडा और मोलस्का की योजक कड़ी है। संघ एनेलिडा और मोलस्का की योजक कड़ी नियोपिलाइना को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगा सिल्क किस कीट से प्राप्त किया जाता है? तो फ्रेंड्स, मूंगा सिल्क है वो एंथेरिया असामा से प्राप्त किया जाता है। इसको मूंगा सिल्क वॉर्म भी कहा जाता है, एंथेरिया असामा, इससे मूंगा सिल्क प्राप्त किया जाता है। तो ये था बायोलॉजी के पोर्शन का लास्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, प्रीवियस पेपर सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो इसलिए उनको सॉल्व करना जरूरी है। और सेकेंड थिंग, हम अगर प्रीवियस पेपर सॉल्व करते हैं तो हमें समझ में आता है कि एग्जामिनर का माइंड किस तरह से काम करता है और क्वेश्चंस की लैंग्वेज किस टाइप की होती है। तो अगर प्रीवियस पेपर सॉल्व करने की हैबिट है तो पेपर का मैनेजमेंट बैठ जाता है और हम इजीली एग्जाम में भी पेपर सॉल्व कर लेते हैं। देन फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, बिकॉज इट्स अप्रिसिएट्स मी। और अगर आपका भी कोई ओपिनियन है तो आप प्लीज कमेंट करें। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।